आज हैप्पी नहीं हूं मैं, नॉट तो हैप्पी। ये रही सुबह के लिए पेटीज। व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7:30। और जस्ट अभी मैं लिपस्टिक लगा के आई, यानी व्लॉग शूट करना होता है तो एज ऑलवेज मैं लिपस्टिक लगाती ही हूँ। वैसे तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ घर में, लिपस्टिक लगा के आई, मैंने बोला व्लॉग शूट कर रही हूँ। नींद तो इतनी अच्छी की है, आज मैं 5:30 बजे उठी हूँ, इतनी नींद की है मैंने। सोई थोड़ा लेट थी काम में, आज बहुत लेट हो गई। और कल तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, कल घर का इतना काम किया है, लिटरली मैंने सुबह से लेके रात तक, बीच में दोपहर में सोई और थोड़ा बीच बीच में बैठ रही थी, यानी कि रात तक मेरा काम चल रहा था। इतना काम था घर में, कल बेडरूम थोड़ा क्लीन किया मैंने, थोड़ा मेसी हो गया था बेडरूम। कैसे मैं रेडी वगैरह होती हूँ कभी, या शूट का होता है वीडियो वगैरह, तो कपड़े वगैरह मैं बाहर निकालती हूँ तो वो सब फोल्ड करके रखने थे, सब यूनिट पे पड़े थे वो सब फोल्ड करने थे। कल बहुत काम था पूरा रूम का, मैंने क्लीनिंग कर ली, बेडशीट चेंज कर ली, तो उसमें मेरा पूरा दिन गया है। कल पूरा दिन काम चला है, कुछ ना कुछ मीन्स सफाई मैंने घर की निकाली है कल, तो भी अभी भी मेरा काम रह गया है, घर के झाले उतारने हैं। मिस थोड़ा थोड़ा काम रह गया है मिस, कल मैंने बहुत काम किया रात तक, तो मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं किया। मैं इतनी थक गई थी बहुत, कल हुआ ही नहीं, रात के 8:30 बजे तक मैं काम ही कर रही थी। नींद में से उठी फिर से काम पे लगी, 8:30 बज गए, मैंने बोला आज तो मैं ब्लॉग शूट ही नहीं करूँगी, इतना थक गई, बहुत थक गई। और आज तो फिर कल इतनी सफाई की थी, घर तो सफाई पड़ा था, आज इतना काम में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, फटाफट घर का काम हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, सब जल्दी से हो गया काम। तो तभी भी मिस खाना वगैरह ये लेट खाने आए तो उसकी वजह से लेट हो गई, नहीं तो मेरा काम तो आज 2 बजे हो गया था, 2 बजे काजल और मैंने खाना भी खा लिया था। ये लेट आए 3 बजे, ये लेट आए तो उसकी वजह से लेट हो गई, नेचुरली फिर सोने में भी लेट होगी, इनके लिए वेट कर रही थी आ जाए। आफ्टरनून में दाल राइस बनाए थे, अभी रात का सोचा नहीं है फिलहाल मैं क्या बनाती हूँ। फिलहाल अभी इन्होंने बोला है मैं नहीं आऊँगा आज, इनको काम है, बहुत बिजी है, तो काजल ही वेफर्स वगैरह लेके आएगी, चिप्स वगैरह बोला है काजल को लेके आने के लिए, तो वो लेके आएगी, हम वही नाश्ता खा लेंगे। तो नाश्ता वगैरह खाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। जस्ट अभी काजल वेफर लेके आई, यानी कि बनाना चिप्स भी लेके आई और पटाटो चिप्स भी लेके आई, दोनों खाया, फिर अभी चाय रखी है, चाय पी के फिर खाने पे लगती हूँ, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता। इन्होंने तो बोला था मैं 2 में आया तो ठीक है, काम उतर गया तो मेरा, लेकिन नहीं उतरा काम, इनका फोन आ गया अभी, बोले मैं बिजी था नहीं आया ये, तो हमने तो खा ही लिया है, बस अभी चाय रखी है, काजल में पियेंगे उसके बाद खाना देखते हैं क्या बनाते हैं, आज समझ में नहीं आ रहा है, देखती हूँ। सब्जियां तो ये ढेर सारी लेके आए, लेकिन इनके पास बाजार गए थे, सब्जियां इनके पास है, देखे अभी क्या बनाए, लेकिन घर में भी पड़े हैं मटर और मेथी वगैरह, तो जो बनाया हुआ तो मैं बना लूंगी फटाफट से। दाल भी पड़ी आफ्टरनून की, दाल राइस बनाए थे, और यहाँ पे मेरी चाय भी टक गई है, फटाफट से लगा लेती हूँ। तो जी अभी 10:30 बज चुके हैं, खाना बनाते बनाते 10:30 बज गए, यानी कि अभी बनाया नहीं, ओनली प्रिपरेशन की है, यानी काजल ने आलू बॉयल किया है और अभी मैंने धनिया वगैरह काटा है और आलू को मैश कर लिया है, आलू का पराठा बना रही हूँ, और आटा भी गूंद लिया है मैंने, काजल ने आलू की तैयारी की और मैंने आटा गूंद लिया, अभी बस सब आलू में मिक्स करने हैं मसाले वगैरह, धनिया वगैरह, फिर उसके बाद पराठा पकाऊंगी। आलू के पराठे के साथ पापड़ है, हम दोनों पापड़ खाएंगे, और इनके लिए दाल पड़ी है, आफ्टरनून में दाल बनाई थी ना,
तो वो पड़ी है। पहले मैंने बोला आलू के पराठे के साथ दही खाते हैं, तो उनको बोला दही लेके आओ, दही जिस शॉप की हम खाते हैं उसी से ही लेके आते हैं, उसकी खट्टे खट्टा नहीं रहता है, दही एकदम फ्रेश रहता है। तो उन्होंने बोला नहीं फिलहाल अभी नहीं खा, अभी अभी ठीक हुई है, दही खाएगी बीमार पड़ जाएगी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, कादर का मन था आलू का पराठा खाने का, तो पापड़ से ही खा लेते हैं और धारिन को दे दूंगी गरम करके और लाऊंगी। तो अभी तैयारी हो रही है पराठे की, जल्दी से आलू के पराठे का मिक्सचर रेडी करना है। आलू बॉयल हो गए हैं और यहाँ पे धनिया धो के रखा है मैंने, तो सब अभी इसमें मिक्स करती जाऊंगी मैं। आलू मैंने ना ज्यादा बॉयल कर दिए हैं, कादर को बोला ज्यादा बॉयल कर दे, सुबह में नाश्ते में इसके साथ पेटीज बनाएंगे। तो यही आलू है, इसकी मैं पेटीज बना के फ्रिज में रख दूंगी, सुबह में फटाफट से हो जाएगी रोटी या ब्रेड के साथ खा लेंगे पेटीज। तो जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ ना, तो मैं पेटीज जरूर बनाती हूँ साथ में, सुबह के लिए पेटीज होती है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी आलू बॉयल होते एक साथ ही, आटा भी तैयार है और आलू का मिक्सचर भी मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मैंने ऊपर घी लगा लेती हूँ तो अच्छा रहता है, वो फटाफट से लेने में आता है। तो अभी फटाफट से मैं आलू का पराठा बना लेती हूँ जल्दी से, सबको भूख लग गई है, आज लेट हो गई है। आलू के पराठे में मैं ना आलू ज्यादा डालती हूँ, यानी कि एक आलू से मीडियम साइज का आलू होता है ना, उसमें से दो पराठे बनाती हूँ, यानी कि बराबर पता चल जाता है मुझे पराठे बनाने हैं उसमें कितने आलू लगेंगे। तो आलू क्या ऐसे मैं टिक्की के जितना ऐसा ज़्यादा आलू डालूंगी उसमें ना, ज़्यादा आलू होगा ना तो आलू का पराठा लगता है, नहीं तो आलू का पराठा लगता ही नहीं है। ये तो मैंने ज़्यादा कर दिए आलू बॉयल, कादर को बोला ज़्यादा बॉयल कर दे, सुबह में पेटीज भी हो जाएगी नाश्ते में एक ही साथ, दोनों को पेटीज भी बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी आलू बॉयल होंगे यानी जब भी हमारी पेटीज की भी तैयारी हो जाती है। अभी मैं हल्के से बेलूंगी, सुबह के लिए पेटीज। तो ये अब इन दोनों को ही दूंगी, नहीं तो दोनों लड़ेंगे मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी, इन दोनों को दूंगी, मैं कुछ और ही खा लूंगी। तो ये पेटीज ये दोनों ही खाए, नहीं तो लड़ेंगे मुझे इतनी चाहिए मुझे इतनी चाहिए, ऐसे करते पेटीज। अभी ये फ्रिज में रखूंगी ना तो सुबह में मस्त बनेगी पेटीज, अच्छे बनते हैं, यानी कि फ्रिज वाली हो पेटीज तो बहुत अच्छी बनती है। तो सॉस भी निकाल के रखूंगी सुबह में, रोटी के साथ खाई तो रोटी के साथ, नहीं तो पाव के साथ खाएंगे या ब्रेड के साथ, जैसे भी किया मैं खुद के लिए कुछ और बना लूंगी। तो अभी काजल पराठे पका रही है, खुद ही पका के आएगी, मैंने अपना फ्रिज में रख ली पेटीज वगैरह। तो अभी पहले ही ये पूछ रहे आके किचन में, आलू ज्यादा बॉयल किए पेटीज बनाई है, मैंने दिखाया लो बना ली है पेटीज। तो दोनों खाए, मैं खुद के लिए कुछ और कर लूंगी रोटी के साथ, देखती हूँ सुबह मैं साथ में रोटी ही बनाऊंगी, अच्छी लगेगी, सॉस वगैरह निकाल के रखेंगे। तो अभी मैं खा लेती हूँ, मुझे लगी है भूख। तो जी अभी रात के 1 बजे हैं और अभी तक हम बैठे हैं, जस्ट अभी हबी ने बोला मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, काजल और मैं सो ही नहीं रहे, क्यों दोनों कल से इतना प्रॉब्लम हो गया है, हमारी टीवी है जो उसमें इंटरनल कुछ एरर आ गई है, यानी कि बाकी टीवी वगैरह सब चल रही है, यूट्यूब नहीं चल रहा है। वैसे यूट्यूब मैं इवनिंग में चला के बैठती हूँ, डेली मेरी आदत है, नींद में से उठूंगी ना बस चाय पी के टीवी मेरी चालू हो जाती है, मैं यूट्यूब चला के बैठ जाती हूँ, उसमें सॉन्ग्स देखूंगी या कुछ भी देखती रहूंगी। यूट्यूब पे बैठो तो इतने सारे वीडियोस है, आप जितने आवर्स भी चाहो वहाँ पे बैठ सकते हो, उतने वीडियोस है देखने के लिए वॉच करने के लिए, बट टाइम पास भी हो जाता है, अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। कल से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, परसों रात से हुआ है एक्चुअली में प्रॉब्लम, तो कल भी ऐसा प्रॉब्लम था आज भी ऐसा प्रॉब्लम है, यूट्यूब नहीं चल रहा है, टीवी वगैरह सब बराबर चल रही है, टीवी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यूट्यूब ना स्टार्ट ही नहीं हो रहा है।
तो काजल कब से 2 दिन से लगी पड़ी है भाई, यूट्यूब स्टार्ट हो बट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। कुछ यूट्यूब में एरर आ गया है, बाकी पूरा का पूरा टीवी में चेक कर लिया हमने, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने टेक्नीशियन को भी बोला है कल आएंगे बनाने के लिए, तब तक हम देख रहे थे कुछ यहाँ पे छोटी मिस्टेक हो तो हम थोड़ा देख रहे, ट्राई कर रहे। अभी तक काजू लगी हुई है, 2 घंटे हो गए, जैसे आलू का पराठा खाया है वैसे काजल टीवी पे लगी हुई है। भाई कहाँ से यूट्यूब में कहाँ पे मिस्टेक आ गई है। तो ये अभी मेरी टीवी है सोनी की, सोनी ब्रावया, ये मॉडल है। और अब मैं इसको, ये स्मार्ट टीवी है, यूट्यूब चलाऊंगी इस पे। ये यूट्यूब चला, अब देखना 2 मिनट में सब चैनल दिखा रहा है, बट उसके बाद ये आ रहा है, ये ब्रावया के ऑफर्स है, ये चलाऊंगी। ये देखो ये सेम, यानी कि टोटली नेट बंद कर दिए इन्होंने, क्यों तो मॉडल ओल्ड हो गया इसलिए नेट पूरी बंद हो गई है, यानी कि टीवी को दबा कर दिया। हमारी 7 इयर्स हुए हैं टीवी लिए, हमने कुछ भी इसमें बनाया नहीं है, इतनी अच्छी चल रही है, चैनल्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन नेट इंटरनेट कुछ भी नहीं चल रहा है, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं, यूट्यूब भी नहीं, कुछ भी नहीं। और यूट्यूब नहीं चलेगा तो मैं बिल्कुल, जैसे इवनिंग से आज उदास बैठी हूँ, इवनिंग से मीन्स मुझे चाहिए ही टीवी, मेरा टाइम पास टीवी में ही होता है। कल नहीं चली, आज भी नहीं, बैठ के मैं अपना व्लॉग देखती हूँ या और कुछ देखती हूँ, कितना मेरा अच्छे से टाइम पास हो जाता है। कल से इतनी बोर हो गई हूँ, टीवी में टाइम पास ही नहीं हो रहा है, टीवी ही नहीं चल रही, टाइम पास कैसा होगा। सुबह में काम काज कर रहे, इवनिंग में मुझे लगता है नहीं मुझे थोड़ी देर टीवी चाहिए, इवनिंग से ले, एक्चुअली मैं इवनिंग से चालू होती है, रात तक चालू होती है, कुछ ना कुछ मेरा चालू ही होता है, कुछ ना कुछ बैठ के देखूंगी, टाइम पास करूंगी। मीन्स सुबह में खाली घर में शांति रहती है, काम काज में मैं पूरी रहती हूँ, इवनिंग से लेके मैं रात तक धमाल करती रहती हूँ घर पे। तो सुन लो हबी कैसे बुलाते हैं, जब तक नहीं जाऊंगी सोने तब तक नीलू नीलू बुलाते रहेंगे। अभी शांत नीलू नीलू आजा, नीलू को चैन कहाँ, नीलू को टीवी का टेंशन हो गया, नीलू को टीवी चाहिए, यूट्यूब चाहिए, चालू रहे। मीन्स इतनी मैं ये हूँ, मुझे शांति से बैठना नहीं आता है, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए जिंदगी में, शुरू से मैं ऐसी हूँ, कुछ ना कुछ या तो काम करती रहूँगी या कुछ ना कुछ लाइफ में करती रहूँगी, चुप करके बैठने वालों में से नहीं हूँ। और आलू का पराठा क्या बढ़िया बना था, इतना मस्त बना था। एक्चुअली मैंने आलू में बहुत डालती हूँ उसमें, मीन्स एक मीडियम आलू से मैं 2 पराठे बनाती हूँ, तो कितना आलू हुआ उसमें, एक एक पराठे में बहुत आलू होता है, मीन्स रोटी कम और आलू ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मीन्स आलू ज़्यादा होता है खाने से ना, ऐसे मुँह में ऐसा लगता है जैसे आलू ही आलू है, ऐसे लगता है, दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। काजल तो इतना मन से खाती है आलू का पराठा, मेरे हाथ का बहुत मन से खाती है। तो आज कितने दिनों के बाद घर में आलू का पराठा बनाया, और एक तो खुशी हुई आलू का पराठा बनाया, चलो अच्छे से खाया, लेकिन ये टीवी का रोना हो गया सुबह से, मुझे ऐसा लग रहा है कल भी ऐसा, आज भी ऐसा, और इवनिंग में भी जैसे व्लॉग चालू किया तो ऐसे ही बैठी थी मैं बोर, टीवी का बैठ के देख रही थी, चालू क्यों नहीं हो रहा है, चालू क्यों नहीं रहा है, मन ऐसा पड़ा है आज, चुप चुप आज हैप्पी नहीं हूँ मैं, नॉट हैप्पी मीन्स उदास उदास बैठी हूँ। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग छोटा सा यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।